आज भी होने वाले ब्लू टैग के एक मॉडिफाइड वर्जन के ऊपर जो कि चाइनीज एमुलेटर है जिसका नाम है ब्लू पापा। आज की वीडियो में हम लोग इसकी क्रीमैटिंग को फिक्स करने वाले। मेरे पास अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आई है कि इसकी क्रीमैटिंग वर्क नहीं कर रही। क्रीमैटिंग जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्रीमैटिंग कैसे करेंगे हम लोग आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं खुद भी इसको फिक्स करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपना ब्लू पापा एमुलेटर ओपन करके प्रॉब्लम ही आई ही क्यों है। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। यहाँ पर देखो ये इंस्टॉल लोकेशन जब इंस्टॉल करा था मैंने एफ ड्राइव में दिखा रहा था इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैंने इसकी लोकेशन को चेंज करा और अपनी सी ड्राइव में एमुलेटर फोल्डर बना के इसके अंदर इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और इसको फिक्स करने के लिए आपने इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ पर आपने ब्लू पापा को अनइंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनइंस्टॉल का बटन आ चुका है, तो आपने अनइंस्टॉल बटन को क्लिक कर देना तो ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक से दो मिनट भी ले सकते हैं आपने यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर अनइंस्टॉल हो अभी वही इसको इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर मैंने पहले ही फोल्डर बना कर रखा होगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके ओपन करना है। एमुलेटर को ओपन करोगे यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक मिनट लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना हो, यहाँ पर देख सकते हो डिफॉल्ट जब ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो ये एफ ड्राइव में दिखा रहा है, तो मैं इसको इसी जगह पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एफ ड्राइव में ही डिफॉल्ट लोकेशन में ही इंस्टॉल करना चाहता है। तो यहाँ पर एक से दो मिनट लेगा और इंस्टॉल कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपने वेट कर लेने। तो यहाँ पर 90% के आगे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़ा सा फिनिशिंग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं या फिर लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, मैं या फिर डेस्कटॉप से लॉन्च कर रहा हूँ। वो भी तो हमारा फर्स्ट टाइम एमुलेटर लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमुलेटर लॉन्च होने के बाद अभी आई है एमुलेटर की सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमुलेटर को मैंने दोबारा से लॉन्च कर लिया, तो अभी आ रही है फ्री फायर को ओपन करने की। मैंने यहाँ पर फ्री फायर को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फायर को ओपन करते ही इस बार हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही की मैचिंग भी आई है, और उसका मतलब है फ्री फायर भी चल चुकी है और हमारी वर्क हो चुकी है। तो उसके बाद हम मोर को क्लिक करके अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना फेसबुक का अकाउंट लॉग इन करने वाला हूँ। तो भी गाइस, तो हमारी यहाँ पर फ्री फायर ओपन हो चुकी है। फ्री फायर ओपन होने के बाद अभी बारी है फ्री फायर टीम की। तो यहाँ पर आप क्लिक करके फ्री फायर टीम से इसी की तो अभी मैं आपको कर दे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा मेरे जाते हो यहाँ भी मैंने अपनी फ्री फायर टीम को भेजा दिया, तो यहाँ पर आप क्लिक करके हमारी फ्री फायर टीम को भेज दी है। आपको यहाँ पर बच्चों को क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करके हमारी फ्री फायर टीम वर्क कर रही है। तो इस तरह से आप अपनी फ्री फायर टीम को ओपन कर लेना और यहाँ पर अपने स्टाफ की यहाँ पर जाए, यहाँ पर बटन जो अंदर जाइए आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपनी फ्री फायर टीम को एडजस्ट कर लिया। आप जैसे फ्री फायर टीम को कस्टमाइज कर सकते हो, इसके बाद आपने यहाँ पर बच्चों को क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी बटन सेट कर सकते हो माउस के लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अपना ये वाला बटन यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई की तस्वीर बाय बाय।